हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने सेक्शन 9, 10 एंड 11 ऑफ लिमिटेशन एक्ट किया था, जिसमें कि सेक्शन 9 में हमने कॉन्टिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम की बात की थी। सेक्शन 10 में हमने बात की थी कि अगर कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए ट्रस्ट बनाया गया है और ट्रस्टीज के अगेंस्ट या उसके एलार्स के अगेंस्ट हमने कोई उस ट्रस्ट प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई भी सूट फाइल करना है तो उसके अगेंस्ट कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं होगा। और सेक्शन 11 बात कर रहा था कि लेक्स फोरी के प्रिंसिपल पे बात कर रहा था कि जो जिस ज्यूरिसडिक्शन में हमने सूट फाइल किया है वहां का ही लॉ ऑफ प्रोसीजर, जो प्रोसीजरल लॉ है वो अप्लाई होगा। हमने ये तीन सेक्शन पिछले लेक्चर में किए थे। आज हम सेक्शन 12 पे बात करेंगे, जो कि डील कर रहा है एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन लीगल प्रोसीडिंग्स। अब मान लीजिए इसमें क्या वर्डिंग कह रहा है, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर सूट, अपील और एप्लीकेशन, द डे फ्रॉम विच द पीरियड बिगिंस टू रन शैल बी एक्सक्लूडेड। अब क्या कह रहा है ये कि जब हमने पीरियड ऑफ लिमिटेशन को कंप्यूट करना है, मतलब काउंट करना है टाइम पीरियड को, किन किन चीजों के लिए, सूट के लिए, अपील के लिए और एप्लीकेशन के लिए, तब जिस दिन से हमारा पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो रहा है, बिगिंस टू रन, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो कॉज ऑफ एक्शन है जिस दिन अराइज हो रहा है वो दिन हम एक्सक्लूड करेंगे जब हम कंप्यूटेशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने 5 जनवरी 2022 को एक रिकवरी सूट फाइल करने का आपका कॉल ऑफ एक्शन अराइज हो गया, मान लो सामने वाले बंदे ने मना कर दिया कि मैं आपके पैसे नहीं दूंगा। जिस दिन सामने वाले बंदे ने डिनाई कर दिया, आपका राइट टू सू अक्रू हो गया, आपका कॉल ऑफ एक्शन अक्रू हो गया। ठीक है, अब रिकवरी सूट में कितना टाइम मिलता है, 3 साल मिलते हैं, 2025 तक आप सूट फाइल कर सकते हो। तो अब जो 3 साल कंप्लीट हो रहे हैं वो कब तक कंप्लीट हो रहे हैं, 4 जनवरी 2025 को। अब यहाँ पे हमें लिमिटेशन पीरियड कब तक मिलेगा, मान लीजिए 5 जनवरी को 2022 को आपका राइट टू सू फॉर रिकवरी अक्रू हो रहा है। ठीक है, तो अब ये खत्म कब होगा, अगर हम 3 साल की बात करें, 3 years फिनिश ऑन कितने कब खत्म होंगे, 4 जनवरी 2025। पर हमें जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन मिलेगा, क्योंकि ये डे है, इस दिन हमारा राइट स्टार्ट हुआ है, तो इसको हम एक्सक्लूड करेंगे काउंटिंग में से। और हमारी काउंटिंग शुरू कौन से दिन से होगी, 6th of January से। तो अब हमारे पास कब तक लिमिटेशन है, टिल 5th of January 2025 तक। ठीक है, तो ये फर्स्ट डे है जो हमें एक्सक्लूड करना है। ठीक है, तो हमारी काउंटिंग कब से स्टार्ट होगी, नेक्स्ट डे से। सेक्शन 12 क्लोज 2 क्या बात कर रहा है, सेक्शन 12 क्लोज 2 बात कर रहा है कि इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन अपील और एप्लीकेशन, एप्लीकेशन किस किस चीज की होनी चाहिए, लीव टू अपील, रिव्यू ऑफ जजमेंट और रिवीजन के लिए। तो अगर हम लिमिटेशन पीरियड अपील के लिए काउंट कर रहे हैं या एप्लीकेशन के लिए काउंट कर रहे हैं, एप्लीकेशंस कौन कौन सी, कि हमने अपील फाइल करनी है उसकी परमिशन लेनी है। इसकी एग्जांपल्स क्या होती हैं, अगर हमने स्पेशल लीव पिटीशन फाइल करनी होती है तो वो उसके लिए हमें पहले लीव टू अपील फाइल करनी पड़ती है, और अगर हमने एज एन
पर्सन अपील करना है तो उसके लिए भी पहले हमें लीव टू अपील लेनी पड़ती है। लीव मेरे परमिशन, ठीक है। और अगर हमने जजमेंट को ही रिव्यू करवाना है या फिर रिवीजन फाइल करनी है, देन ऐसे केसेस में कौन कौन से पीरियड्स को एक्सक्लूड किया जाएगा? पहली चीज, जिस दिन की जजमेंट प्रनाउंस हुई है हम उस दिन को एक्सक्लूड करेंगे। जैसे हमने 12 क्लोज 1 में हमने किया था कि जिस अगर हमने सूट अपील और एप्लीकेशन फाइल करनी है तो जिस दिन हमारा कोज ऑफ एक्शन अप्रूव हुआ है उस दिन को हम एक्सक्लूड करते हैं। तो भाई अगर हमने किसी मतलब जजमेंट के अगेंस्ट अपील करनी है तो भाई जिस दिन जजमेंट प्रनाउंस होएगी तभी हमें पता चलेगा ना कि हमारे अगेंस्ट ये चीज हुई है, तभी हमारा कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा। तो जिस दिन जजमेंट प्रनाउंस हुई है उस दिन हम उस दिन को हम एक्सक्लूड करेंगे। और दूसरी चीज है कि अगर हमने डिक्री सेंटेंस या ऑर्डर की कॉपी लेनी है जिसके बेसिस पे हम अपील कर रहे हैं, तो अगर हमने वो कॉपी लेनी है उस कॉपी को लेने के लिए जितना टाइम लग रहा है, टाइम रिक्विजिट, तो वो टाइम हम एक्सक्लूड करेंगे। या फिर जजमेंट की कॉपी लेनी है उसमें कितना टाइम लग रहा है वो हम एक्सक्लूड करेंगे। इसका रीजन क्या है कि हम ये कॉपीज लेने के लिए टाइम को एक्सक्लूड कर रहे हैं? इसका रीजन ये है कि ये टाइम कोर्ट की तरफ से लिया जा रहा है। अगर किसी चीज की कॉपी तैयार करने के लिए टाइम लिया जा रहा है, वो कोर्ट की तरफ से लिया जा रहा है, तो वहां पे कोर्ट के लिए टाइम के लिए हम जो पार्टी है उसको सफर नहीं करवाएंगे। तो जो टाइम जरूरी है, अब टाइम रिक्विजिट का मीनिंग क्या है? प्रॉपरली रिक्वायर्ड मीन्स भी जो टाइम लगेगा ही लगेगा। अब टाइम रिक्विजिट प्रॉपरली रिक्वायर्ड हम निकालेंगे कैसे भी ये टाइम कितना लगा? ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है भी एक दिन में कॉपी तैयार होगी कि 10 दिन में होगी। ये कई बार ये केसेस जो कोर्ट्स हैं उनके पास केसेस की कितना बर्डन है, कितनी उसने कॉपीज डिस्पैच करनी है, इसके बेसिस पे टाइम कम या ज्यादा लग जाता है। तो अब यहाँ पे हम टाइम रिक्विजिट को कैसे निकालेंगे? जिस दिन प्लेंटिफ ने या जिस भी पार्टी ने जज मतलब एप्लीकेशन कोर्ट में लगाई है कि मुझे ये कॉपी चाहिए, ठीक है, उस डेट और जो डेट जिस दिन कॉपी रेडी है मतलब कोर्ट की तरफ से सामने वाली पार्टी के पास इंटीमेशन चली गई है कि योर कॉपी इज रेडी, यू कैन गेट इट फ्रॉम दिस सेक्शन, तो वहां जब तक ये दोनों दिन मतलब जिस दिन ये एप्लीकेशन फाइल कर दी और जिस दिन कॉपी तैयार होगी, उन दोनों दिनों को मिला के जितना भी टाइम लग रहा है हम उसको पीरियड ऑफ लिमिटेशन से एक्सक्लूड करेंगे। मान लो हमने 10 जनवरी को एप्लीकेशन फाइल की, ठीक है, और 15 जनवरी को कॉपी रेडी होगी, तो ये 10 से 15 का जो टाइम है वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन को काउंट करते हुए एक्सक्लूड होगा, ये टाइम पीरियड एक्सक्लूड होगा, ठीक है। ये क्या बन गया टाइम रिक्विजिट। अब यहां पे क्या है, टाइम रिक्विजिट वर्ड डाला है तो यहां पे इस चीज से 2-3 चीजें इंप्लाइड हो गई हैं। पहली चीज, बर्डन ऑफ प्रूफ प्लेंटिफ पे आ गया कि भाई मैंने प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के बीच में अगर जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है उसके अंदर अंदर मैंने सूट अपील या एप्लीकेशन क्यों नहीं फाइल की, उसका रीजन ये है कि वो मेरा फॉल्ट नहीं था, वो कोर्ट के तरफ से लिया गया टाइम था। या फिर और दूसरी चीज,
ये प्लांटी पे एक ये बर्डन भी डाल रहा है कि उसने अपनी तरफ से एक एक्शन लेना है जिसकी वजह से उसको कॉपीज मिल जाएंगी। यहाँ पे ये नहीं है कि भाई अपने आप कोर्ट आपको कॉपी देगी, उसने अपनी तरफ से एक एफर्ट डालना है जिसकी वजह से उसको कॉपी मिलेगी। तो यहाँ पे अगर प्लांटी खुद अपने डिफॉल्ट की वजह से जानबूझ के डिले कर रहा है कॉपी को फाइल करने में, तो वो टाइम पीरियड एक्सक्लूड नहीं होगा। मान लीजिए एक सूट की अपील फाइल करने के लिए 30 दिन ही है, ठीक है, जजमेंट प्रनाउंस हो गई, जजमेंट प्रनाउंस होने के 30 दिन तक अगर प्लेंटिफ ने जजमेंट की कॉपी के लिए अप्लाई ही नहीं किया, उसका राइट टू अपील लैप्स हो गया, खत्म हो गया। वो क्यों? क्योंकि उसने विद इन प्रिस्क्राइब पीरियड अपनी तरफ से एफर्ट ही नहीं डाला। अगर वो मान लो 15 दिन के बाद भी विद इन 15 डेज, मतलब कि 30 दिन थे उसको, 1 जनवरी का उसका टाइम पीरियड स्टार्ट होना था, 15 जनवरी को उसने एप्लीकेशन डाल दी कॉपी के लिए, और अब उसको 30 जनवरी को कॉपी मिल रही है, तो ये टाइम पीरियड टाइम रिक्विजिट हो गया और ये टाइम उसका एक्सक्लूड होगा पीरियड ऑफ लिमिटेशन में। अब उसको कितना टाइम और मिलेगा? 31 का महीना है, तो 31 जनवरी लगा लो, उसके हिसाब से 14th को उसके नेक्स्ट 15 डेज कंप्लीट होंगे, तो 14th तक उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन बनेगा। एक चीज और क्लियर कर दूं, जो क्या कहते हैं, ये फर्स्ट डे एक्सक्लूड करना होता है ना, जिस दिन जजमेंट प्रनाउंस हुई होती है या कॉज ऑफ एक्शन अक्रू हो रहा है, जिस दिन वो एक्सक्लूड करने के लिए हमें कोई स्पेशल अलग से एप्लीकेशन नहीं लगानी पड़ती, वो कोर्ट अपने आप उसको एक्सक्लूड करता है। बट क्या कहते हैं, कॉपी ऑफ डिक्री सेंटेंस या ऑर्डर लेने के लिए हमें अलग से एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी कोर्ट में कि हमें इस पर्टिकुलर जजमेंट की कॉपी चाहिए। तो सेक्शन 12 क्लॉज 2 क्या बात कर रहा है कि अगर हमने पीरियड ऑफ लिमिटेशन काउंट करना है अपील का, एप्लीकेशन का, तो जिस दिन जजमेंट प्रनाउंस हुई है वो टाइम एक्सक्लूड होगा, और जो डिक्री सेंटेंस या ऑर्डर की हमने कॉपी लेनी है उस कॉपी को ऑब्टेन करने के लिए जितना टाइम लग रहा है वो हमने एक्सक्लूड करना है। अगर हमने जजमेंट की कॉपी लेनी है तो उसको एक्सक्लूड करना है। यहाँ पे अलग अलग टर्म्स यूज किए हैं, डिक्री सेंटेंस और ऑर्डर। डिक्री और ऑर्डर का डिफरेंस तो सीपीसी में हम अलग से करेंगे, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस वर्ड यूज किया गया है, तो ये एक क्रिमिनल टर्म है। इट मीन्स ये अगर हमने अगर किसी बंदे को कोई सेंटेंस हुई है, कोई पनिशमेंट मिली है, उस चीज की अगर उसने कॉपी लेनी है कि क्या पनिशमेंट मिली है उसके अगेंस्ट अगर उसने अपील करनी है, तो वहां पे ये क्रिमिनल उसको मैटर्स को डील करता है, ठीक है। सेक्शन 12 क्लॉज 3 क्या कह रहा है, वेयर अ डिक्री और ऑर्डर इज अपील फ्रॉम और सॉट टू बी रिवाइज्ड और रिव्यूड, और वेयर एन एप्लीकेशन इज मेड फॉर लीव टू अपील फ्रॉम अ डिक्री और ऑर्डर, देन द टाइम रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग द कॉपी ऑफ जजमेंट शैल ऑल्सो बी एक्सक्लूडेड। जैसे कि हमने सेक्शन 12 क्लॉज 2 में भी बात की कि अगर हमने किसी डिक्री, देखो हम अपील किस चीज के अगेंस्ट करेंगे, किसी डिक्री या ऑर्डर के अगेंस्ट। अगर हमने परमिशन भी लेनी है कि भाई हम इस डिक्री के अगेंस्ट अपील फाइल करना चाहते हैं या उसको रिवाइज करवाना चाहते हैं या उसको रिव्यू करवाना चाहते हैं, तो हमें रीजन तो पता होना कि हम किस चीज के अगेंस्ट फाइल करना चाहते हैं। हम जो अपील्स और फाइल होती हैं वो हमेशा इस चीज पे होती है ना, भी जज ने ये जजमेंट दी है, मेरे हिसाब से उनका ये रिव्यू गलत है, मुझे इस चीज पे ये रिलीफ मिलनी चाहिए। तो जब तक जजमेंट की कॉपी नहीं आएगी तब तक हमें वो रीजंस नहीं पता लगेंगे, और रीजंस पता करने के लिए हमें जजमेंट की कॉपी चाहिए,
और जजमेंट की कॉपी जब हम अप्लाई कर देते हैं उसको तैयार होने में कितना टाइम लगता है, वो टाइम पीरियड एक्सक्लूड होगा, ठीक है। और 12 क्लॉज 4 में अवार्ड्स की बात की गई है, जैसे आर्बिट्रल अवार्ड्स होते हैं, तो ऐसे यहाँ पे मतलब डिक्री ऑर्डर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे अवार्ड्स की बात हो रही है। अगर अवार्ड्स को हमने सेट असाइड करवाना है तो उसके लिए भी हमने हमें अवार्ड की जो अवार्ड है उसमें उसका जो डॉक्यूमेंटेशन है उसकी कॉपी है वो हमें चाहिए। जितना टाइम हमें अवार्ड की कॉपी लेने के लिए लगेगा वो टाइम पीरियड हमने एक्सक्लूड करना है। यहाँ पे हम सेक्शन 12 कंप्लीट कर रहे हैं। सेक्शन 13 डील करता है पॉपर के रिलेटेड एप्लीकेशन में पीरियड ऑफ लिमिटेशन के बारे में। हम सेक्शन 13 कर रहे हैं, वहां पे हम जैसे कि हम बात करके चुके हैं कि सेक्शन 13 कर रहा है एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन केसेस वेयर लीव टू सू एज अ पॉपर इज अप्लाइड। अगर किसी पार्टी के पास अपने डेट्स क्लियर करने के लिए पैसे नहीं है तो वो पॉपर हुआ। हिंदी में अगर हम दिवालिया कहें कि वो मतलब इतना गरीब हो गया कि वो कोर्ट भी पे नहीं कर पा रहा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसके सारे राइट्स खत्म हो गए। अगर मान लीजिए वो पॉपर हुआ ही इसकी वजह से है कि उसके किसी ने पैसे वापस देने थे, वो इन टाइम पैसे वापस नहीं आए और उसकी वजह से उसका अपना जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो खराब हो गया, तो अब उसको उस बंदे से पैसे लेने का राइट तो बन रहा है। चाहे उसके पास अब खुद के पास इतने पैसे नहीं है कि वो इमीडिएटली कोर्ट में कोर्ट फीस भर सके, तो अब उसने सूट फॉर रिकवरी फाइल करना है। सूट फॉर रिकवरी फाइल करने के लिए मान लो कोर्ट में कोर्ट फीस लगनी है, तो अब वो है नहीं है उसके पास। तो ऐसे केसेस में ये है कि वो पार्टी विद द परमिशन ऑफ कोर्ट अप्लाई कर सकती है, मतलब पहले उसको अप्लाई करना पड़ेगा, प्लेंट के साथ ही वो एप्लीकेशन लगाती है कि मुझे एज अ पॉपर स्यू करने दिया जाए और मैं कोई कोर्ट फी नहीं भर सकता। अगर कोर्ट उसको अलो कर लेती है, तो हमने सेक्शन 3 में भी किया था कि अगर कोर्ट उसको अलो कर लेती है हम उसी दिन से कंसीडर करेंगे कि भाई उसने जिस दिन पॉपर के लिए एप्लीकेशन लगाई थी उसी दिन उसने अपना सूट इंस्टीट्यूट कर दिया, हम ये कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पे सूट और अपील के लिए बंदे ने अप्लाई किया कि मुझे एज अ पॉपर मान के सूट फाइल करने दिया जाए या अपील फाइल करने दी जाए, वो एप्लीकेशन कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी, अब क्या? तो ऐसे केस में क्या होगा कि अगर वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है तो लेकिन बंदा जिसने एप्लीकेशन लगाई थी वो गुड फेथ में अपनी एप्लीकेशन को परस्यू कर रहा था, प्रोसिक्यूट कर रहा था, तो जितना टाइम पीरियड उसने गुड फेथ में अपनी एप्लीकेशन को प्रोसिक्यूट किया उतना टाइम पीरियड एक्सक्लूड किया जाएगा। मान लीजिए एक बंदे के पास 3 साल का टाइम पीरियड था, उसने 1 साल के बाद मान लीजिए अगर किसी बंदे के पास 3 साल का टाइम पीरियड था रिकवरी का सूट फॉर का, ठीक है, अब उसने क्या किया आफ्टर 1 ईयर ही अप्लाइड टू सू एज पॉपर, उसने अप्लाई 1 साल के बाद मतलब 3 साल के अंदर अंदर वो कभी भी सूट फाइल कर सकता है, उसने 1 साल के बाद एज अ पॉपर अप्लाई कर दिया कि मुझे सामने वाले बंदे से रिकवरी सूट फाइल करना है लेकिन मेरे पास कोर्ट फीस भरने के लिए पैसे नहीं है तो मुझे एज अ पॉपर सूट फाइल करने की परमिशन दे दी जाए, वो चीज मतलब वो एप्लीकेशन का डिसीजन ही 2.5 साल बाद आया और वो चीज रिजेक्ट होगी,
कोर्ट ने कहा नहीं आप पॉपर नहीं हो, आपको कोर्ट विद कोर्ट फीस ही सूट लड़ना पड़ेगा, अदरवाइज आप लड़ नहीं सकते हो। तो इतने टाइम पीरियड के बाद इसका ये टाइम पीरियड भी खत्म हो गया, 3 इयर्स भी लैप्स हो गए, अब क्या उसका राइट खत्म हो गया? नहीं, यहाँ पे क्या होगा कि ये जो 2.5 साल हैं ये एक्सक्लूड किए जाएंगे। ये 2.5 साल उसके खत्म हो गए तो यहाँ पे अब वो क्या कहते हैं, यहाँ पे इसका 3 साल मतलब जो ये 2.5 साल है वो एक्सक्लूड होंगे, और आफ्टर दैट अगर कोर्ट चाहेगी, कोर्ट मे री दैट, वैसे ये टाइम पीरियड एक्सक्लूड होगा, अगर गुड फेथ शो हो गया ये टाइम पीरियड एक्सक्लूड हो जाएगा, पर अगर कोर्ट चाहे तो वो क्या कर सकती है, वो पेमेंट ऑफ कोर्ट फी के बाद यही मानेगी कि भाई उस बंदे ने फर्स्टली जिस दिन उसने अप्लाई किया था टू सू एज अ पॉपर, वहां पे उसी दिन से उसकी प्लेंट को कंसीडर कर लिया जाएगा। मान लो कि यहाँ पे अब उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी, वो कहता मैं कोर्ट फी भरने के लिए तैयार हूँ, मेरी कोर्ट फी सब ये लीजिए और मेरे कोर्ट सूट को परस्यू कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। तो यहाँ पे अगर कोर्ट चाहेगी, यहाँ पे मे वर्ड यूज किया, इट मीन्स कोर्ट के डिस्क्रिप्शन है, वो कंसीडर कर सकती है कि भाई ये जिस दिन उसने टू सू एज अ प्रॉपर एप्लीकेशन डाली थी उसी दिन से उसका सूट चल रहा है, और जो उसकी एविडेंसेस वगैरह अगर मान लीजिए हो गई हैं तो उनको कंसीडर किया जाएगा कि वो ट्रायल सही चला। फ्रेंड्स अभी हम सेक्शन 14 कर रहे हैं जो कि डील कर रहा है एक्सक्लूजन ऑफ टाइम ऑफ प्रोसीडिंग बोनाफाइड इन कोर्ट विदाउट ज्यूरिसडिक्शन, जिसका मतलब ये है कि अगर आपने किसी ऐसी कोर्ट में सूट फाइल कर दिया है जहां पे कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, लेकिन आपने वहां पे प्रोसीड बोनाफाइडली किया है, देन जितना भी टाइम आपने उस कोर्ट में बोनाफाइडली प्रोसिक्यूट किया है वो टाइम पीरियड एक्सक्लूड किया जाएगा पीरियड ऑफ लिमिटेशन में से। क्यों? इसका रीजन ये है कि एक तरीके से सेक्शन 14 प्रोटेक्शन दी है उन बंदों के को जो ऑनेस्टली सूट फाइल कर रहे हैं, लेकिन वो मतलब अपनी तरफ से वो ड्यूली डिलीजेंट भी हैं, लेकिन विदाउट ऐसी कोर्ट में वो सूट फाइल कर देते हैं जहां पे ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, देन पार्टीज को उस चीज का नुकसान नहीं होना चाहिए। इसके लिए एग्जांपल दूंगी, मान लीजिए एक गांव है जहां पे कोई डिस्प्यूट है, वो गांव दो अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन वाले शहरों के बॉर्डर पे है, मान लो पटियाला कोर्ट्स के ज्यूरिसडिक्शन और संगरूर कोर्ट्स के ज्यूरिसडिक्शन, और एक गांव है जो कि एस बॉर्डर पे पड़ता है, उन गांव के लोगों से ये डिटर्मिन नहीं हो रहा भी हमारा केस पटियाला ज्यूरिसडिक्शन में जा रहा है या संगरूर ज्यूरिसडिक्शन में जा रहा है। केस उनका संगरूर ज्यूरिसडिक्शन में बनता था, लेकिन वही अपनी तरफ से उन्होंने बेस्ट एफर्ट्स लगा के पता भी लगाया कि सूट कहाँ फाइल होगा, किसी ने उन्हें गाइड किया कि भाई पटियाला कोर्ट में फाइल होगा, उन्होंने पटियाला कोर्ट में सूट फाइल कर दिया, पटियाला कोर्ट में सूट चल रहा था, प्रोसिक्यूट वो कर रहे थे, लेकिन वहां पे पता चला कि पटियाला कोर्ट के पास तो ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है, अब ज्यूरिसडिक्शन नहीं है तो कोर्ट सूट रिजेक्ट हो गया। अब रिजेक्ट होया है तो फिर यहाँ पे क्या है, जितना टाइम उन्होंने पटियाला कोर्ट में सूट पे लगाया है वो उनका पीरियड ऑफ लिमिटेशन में से एक्सक्लूड होगा। अब सेक्शन 14 के दो सबसेक्शंस क्या बात कर रहे हैं, एक तो 14 क्लोज 1 सूट्स की बात कर रहा है, 14 क्लोज 2 एप्लीकेशंस की बात कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सूट वर्ड यूज किया है, एप्लीकेशन वर्ड यूज किया है, कहीं पे भी अपील वर्ड यूज नहीं किया, तो इट मीन सेक्शन 14 इज नॉट एप्लीकेबल टू अपील्स। फर्स्ट थिंग इज क्लियर कि सेक्शन 14 इज नॉट एप्लीकेबल
एप्लीकेबल टू अपील्स। सेकेंड क्या है कि सूट के केसेस में प्लेंटिफ, एप्लीकेंट के केसेस में एप्लीकेशन के केसेस में एप्लीकेंट प्रोसिक्यूट कर रहे हैं ड्यू डिलीजेंस के साथ अगेंस्ट सेम पार्टी, सेम पार्टी के अगेंस्ट ही आपने सूट फाइल करना है, या तो सेम पार्टीज या फिर सेम पार्टीज ये अगर मान लो किसी अगले बंदे ने भी राइट डराइव किया है, इंटरेस्ट डराइव किया है, आप उसके अगेंस्ट भी कर सकते हो। लेकिन वही चीज कि पार्टीज सेम होनी चाहिए। और पार्टी सेम कैसे होंगी, मतलब कॉज ऑफ एक्शन जो है अगर मान लो किसी प्रॉपर्टी के रिलेटेड है, यहाँ पे हम प्लेंटिफ की बात कर रहे हैं, प्लेंटिफ की अगर इनकेस डेथ हो गई तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने उससे इंटरेस्ट डिराइव किया है। अगर डिफेंडेंट की डेथ हो गई, डिफेंडेंट के बेटे ने उसके उससे जो अपना राइट है वो डिराइव किया है, ठीक है, तो वो पार्टी सेम ही कंसीडर की जाएंगी। शैल बी एक्सक्लूडेड, एक चीज पार्टीज भी सेम होनी चाहिए और मैटर इन इशू भी सेम होना चाहिए। अगर हम नया सूट डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन का ला रहे हैं तो वहां पे सेक्शन 14 अट्रैक्ट नहीं होगा। सेक्शन 14 को अट्रैक्ट करने के लिए ये कंडीशन जरूरी है कि सेम पार्टीज के अगेंस्ट होना चाहिए, मैटर इन इशू भी सेम होना चाहिए। अगर हम नया कॉज ऑफ एक्शन लेके आ रहे हैं देन सेक्शन 14 अप्लाई नहीं होगा। दूसरी चीज ये है कि वो गुड फेथ में प्रोसिक्यूट किया होना चाहिए पहला सूट। अगर आप पहला सूट मैलाफाइडली प्रोसिक्यूट कर रहे हो देन आपको सेक्शन 14 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये पार्टीज ने ही प्रूव करना होता है कि यहाँ पे फिर अब बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे आएगी। पहले तो प्लेंटिफ प्रूव करेगा कि मैं तो गुड फेथ में कर रहा था, उसको रिबट कौन करेगा, डिफेंडेंट करेगा भी नहीं मैलाफाइडली था। तो अब यहाँ पे गुड फेथ प्रूव करने की बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे है, प्लेंटिफ पे। यहाँ पे वही जो प्रिंसिपल है कि जो पर्सन हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी। ऐसा नहीं है कि वो मैलाफाइड इंटेंशन के साथ कुछ करे कल को अपनी ही गलती का फायदा ले, ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो प्लेंटिफ है गुड फेथ के साथ आना चाहिए। और तीसरी चीज क्या है कि जो जिस रीजन पे ये सेक्शन 14 का एक्सक्लूजन मिलेगा वो रीजन क्या है कि भाई एक तो कोर्ट्स के पास ज्यूरिसडिक्शन ना हो या फिर अदर कॉज ऑफ लाइक नेचर। अदर कॉज ऑफ लाइक नेचर में क्या क्या चीजें कंसीडर हो जाएंगी, मान लीजिए कि मिसजॉइंडर ऑफ पार्टीज या मिसजॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन है वो अदर कॉज ऑफ लाइक नेचर की कैटेगरी में आते हैं। ये इसकी 14 की एक्सप्लेनेशंस में दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या है किस, और एक चीज सेक्शन 14 है जो वो सिविल प्रोसीडिंग्स पे ही अप्लाई होता है, वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पे अप्लाई नहीं होगा। तो अब यहाँ पे क्या चीजें हैं कि सूट और अपील पे अप्लाई होता है, सूट्स और एप्लीकेशंस पे अप्लाई होता है, अपील्स पे अप्लाई नहीं होता। दूसरी चीज ड्यूली डिलीजेंस के साथ आपने प्रोसिक्यूट करना है, सेम पार्टीज के अगेंस्ट प्रोसिक्यूट करना है और सेम मैटर इन इशू होना चाहिए विद गुड फेथ। और रीजन क्या होगा कि आपको क्या क्यों दूसरी कोर्ट में आप शिफ्ट हो सकते हो, मतलब पहली कोर्ट में क्या डिफेक्ट है, वो या तो ज्यूरिसडिक्शन का डिफेक्ट है या अदर कॉज ऑफ लाइक नेचर। तब वो टाइम पीरियड है वो एक्सक्लूड होगा। मान लीजिए आपके पास 1 से 30 तक का ही टाइम पीरियड था एक सूट फाइल करने का, ठीक है, आपने
पटियाला और संगरूर कोर्ट में आपको डाउट था, आपने अपनी तरफ से ड्यू डिलिजेंस यूज करके और गुड फेथ में पटियाला कोर्ट में 14th को सूट फाइल कर दिया और 29 तक जाते जाते कोर्ट में पता लग गया भी ये तो संगरूर कोर्ट का केस है। तो ये जितना टाइम पीरियड है ये सारा एक्सक्लूड होगा पीरियड ऑफ लिमिटेशन से। एक चीज और, जो 14 है और 29 है ये एक्सक्लूजन में नहीं जाएंगे, ये दोनों डेट्स काउंट होंगी। दूसरी चीज, सिविल प्रोसीडिंग्स पे अप्लाई होता है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पे नहीं अप्लाई होता। और एक चीज, सेक्शन 14 क्लोज 3 क्या कह रहा है, वो सीपीसी के ऑर्डर 23 की बात कर रहा है। सीपीसी के ऑर्डर 23 पे विड्रॉल ऑफ सूट्स के रिलेटेड बात की गई है कि अगर मान लीजिए डिफेक्ट ऑफ ज्यूरिडिक्शन की वजह से ही आप कोई सूट विड्रॉ कर रहे हो तो वहां पे आप विद द परमिशन ऑफ कोर्ट विड्रॉ कर सकते हो कि डिफेक्ट के वजह से मैं नया सूट फाइल करूंगा। वहां पे अगर आपने कोर्ट की परमिशन तो ले ली, लेकिन आप मतलब फिर भी आपको सेक्शन 14 का बेनिफिट मिलेगा। यही कहा गया है कि अगर वहां पे आप डिफेक्ट ऑफ ज्यूरिडिक्शन की वजह से अपने सूट को विड्रॉ कर रहे हो देन ऑल्सो यू विल गेट बेनिफिट ऑफ सेक्शन 14। और आपने जितना टाइम उस कोर्ट में प्रोसीड किया होगा अपना सूट वो टाइम पीरियड एक्सक्लूड होगा। तो सेक्शन 14 में यही सारी चीजें क्लियर की गई थी। पहली चीज दोबारा से ब्रीफ कर रही हूं कि सूट्स और एप्लीकेशंस जो कि ड्यूली डिलीजेंस के साथ प्रोसिक्यूट की जाती हैं सेम पार्टीज के अगेंस्ट सेम मैटर इन इशू गुड फेथ में, तो वहां पे जितना टाइम आपने गुड फेथ में प्रोसिक्यूट किया है पहली कोर्ट में वो टाइम पीरियड एक्सक्लूड होगा। और किन रीजंस की वजह से आपने आपका सूट पहली कोर्ट में नहीं एडमिट हो पा रहा वो है डिफेक्ट ऑफ ज्यूरिडिक्शन की वजह से या अदर कॉज ऑफ लाइक नेचर। डिफेक्ट ऑफ ज्यूरिडिक्शन तो वही टेरिटोरियल भी हो सकता है, पेक्यूनरी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ज्यूरिडिक्शन ना या फिर अदर कॉज ऑफ लाइक नेचर में मिसजॉइंडर ऑफ पार्टीज, मिसजॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, ये सब चीजें कंसीडर की जाती हैं। नटशेल क्या है कि ये अपील्स पे अप्लाई नहीं होएगा, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पे अप्लाई नहीं हो रहा, और अगर ऑर्डर 23 के अंडर भी आपने किसी सूट को विड्रॉ किया है ड्यू टू लैक ऑफ ज्यूरिडिक्शन देन ऑल्सो यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 14 और वहां पे भी आपका टाइम पीरियड एक्सक्लूड होगा।